अच्छा, तो राजा ने पूछा तुम कैसे पढ़ी हो किससे? आशा से। आशा बोली, आशा नाम है ठीक है, आशा बोली मैं ऐसी पढ़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं ठीक है, परेशानियां उठाते हैं लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। यहाँ पर आशा एक नाम है, एक यहाँ पर पूछा था आशा, आशा का मतलब क्या हो जाएगा? उम्मीद। आशा का मतलब उम्मीद ठीक है, आशा का मतलब उम्मीद। अच्छा, तो वो आशा बोलती है, राजा बोलती कि तुम कैसे बड़ी हो, है ना, तीनों बहनों की अपेक्षा तुम कैसे बड़ी हो। अच्छा, तो आशा बोली कि मैं सबसे बड़ी हूँ, है ना, कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं ठीक है, नौकरी धंधा मेहनत जो मजदूरी करते हैं वो एक आशा लेकर करते हैं ठीक है, परेशानियां उठाते हैं लेकिन आशा के दीप बुझने नहीं देते, कितना भी कुछ भी कष्ट होता है लेकिन उन्हें एक आशा रहता है, समझ गए, कि वो आशा पे रहता है कि हमें मैंने आज अगर मेरे साथ अगर मैंने अगर मुसीबत है तो आगे हम आशा करते हैं कि हमें अच्छे दिन भी आएंगे इस चीज़ के ठीक है, आशा करती है। अब देखिए अच्छा, राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, अब राजा भी सोचा कि भाई इस तरह का बात है तो ठीक है, दूसरा बोला कि भाई जो तीन बहन का जो हमने क्या लिया परीक्षा ली तो इनका भी क्या कर रहे हैं हम, इनको भी देखते हैं परीक्षा। अच्छा, राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा जाओ राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे। राजा ने फिर अपने कर्मचारियों से कहा कि राज्य में जाकर मैंने ढोल पिटा कर घोषणा करवा दो कि है ना कि कोई भी काम ना करे, ना तो नौकरी करे, धंधा मेहनत मजदूरी ना करे, है ना, और ना आशा का दीप जलाए, है ना, मैंने कोई आशा भी नहीं रखे कि हमें, है ना, फिर आशा की आस जागेगी तो वो कहाँ जाएगी। राजा पूछते कि भाई कि इस तरह से मैंने अपने राज्य में करवा दी कि कोई भी मजदूरी कुछ नहीं करे, नौकरी नहीं करे ठीक है, ना कोई आशा रखे, आगे की उम्मीद मतलब रखे अच्छा होने की ठीक है, कोई भी ना रखे, तो देखते हैं आशा कहाँ जाएगी ठीक है। अच्छा, सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा की आस जागी ठीक है, पूरा मतलब आशा बेचारी दिन भर रात भर रात बीती, है ना, आशा की आस जागी, आशा नाम है उसका, आस मतलब उम्मीद, उसकी उम्मीद जागी ठीक है। वो वहाँ गई मैंने वो इधर उधर गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, चारों ओर क्या था, एकदम अंधेरा छाया हुआ था, उसे कहीं भी आशा की मैंने किरण दिखाई नहीं दे रही थी, कोई उम्मीद उसे दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि सभी लोगों ने नौकरी करना छोड़ दिया था, मतलब सभी कुछ क्या थे मजदूरी उजदूरी करना छोड़ दिया था, आशा करना छोड़ दिया था। आशा बेचारी एकदम व्याकुल हो उठी, उस मैंने जिधर भी देख रही है चारों तरफ क्या होता है, उसे अंधकार ही नजर आ रहा ठीक है। अच्छा अच्छा, उसके बाद देखिए शादी लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक पर आकाश में काम कर रहा था, लेकिन क्या होता सिर्फ लेकिन आशा टिमटिमाते हुए, है ना, एक सिर्फ एक कुम्हार मतलब क्या हो गया, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ठीक है, टिमटिमाते दीपक, टिमटिमाते मतलब छोटे से दीपक मतलब जलाकर वो क्या कर रहा था, प्रकाश में काम कर रहा था, उसके प्रकाश से वो काम कर रहा था रोशनी से, और वहाँ जाकर उसकी टिपकी मैंने आशा की नज़र वो टिक गई, आशा इधर उधर देखी चारों तरफ अंधेरा था लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं दिखा, तो वो जब देखी तो क्या उसकी एक जगह नज़र टिक गई जहाँ पर एक जो कुम्हार था वो क्या होता है मैंने वो काम कर रहा था, और वो क्या था दीपक जलाकर ठीक है, वो दीपक जलाकर क्या कर रहा था, वहाँ वो काम कर रहा था ठीक है, इसी वजह से।